सरदार शहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। हनुमानगढ़ रोड पर यह हादसा हुआ। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने हादसे की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने दोनों के शवों को राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। सरदार शहर से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। गजेंद्र, घटना की वजह पता चल पाई है और क्या शिनाख्त हो पाई है इन दोनों की? बिल्कुल सरदार गुप्ता जी, बेहद दुखद यह हादसा रहा। इस हादसे जो रात यह हादसा हुआ जहाँ पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर ही दोनों बाइक सवारों ने दम तोड़ दिया। इसमें दुखद पहली है कि दोनों जो युवक थे उसमें से एक युवक था, एक एक्स-वाइफ था। जो युवक था देवीलाल, जो मृतक है, उसके 5 संतानें हैं, जिनमें से 4 जो बेटे हैं और 1 बेटा है। बेटा है वो मात्र 10 माह का, जबकि सबसे बड़ी बेटी है वो महज 11 साल की। तो इसमें बेहद दुखद हादसा इस परिवार के ऊपर वज्र का टूट पड़ा है। और मौके पर जो आसपास के लोग हैं वो पहुंचे हैं और पुलिस सब कुछ समय में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया वो करवाएगी और फिर जो शव है वो मृतकों को सौंप देगी। अभी दोनों मृतकों के शव है वो राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में है और अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में भीड़ उपस्थित है। जी सरवा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है घटना की वजह क्या है, लेकिन जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ है उस परिवार में जिसकी मौत हुई है के उनमें से एक जने के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए परिवार में काफ़ी गम का माहौल है। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद इन दोनों के शवों को मॉर्चरी में रखवाया गया है।